नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोह। राजस्थान के सियासी संकट के बीच अब एक बड़ी खबर आ रही है। अशोक गहलोत लगातार ये कह रहे थे कि विधानसभा सत्र राज्यपाल बुला नहीं रहे, लेकिन अब राज्यपाल की तरफ से नोटिफिकेशन कर दी गई है कि अशोक गहलोत विधानसभा सत्र अब बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन राज्यपाल ने दी है। राज्यपाल की तरफ से लिखी चिट्ठी में ये कहा गया है कि विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए उन्हें 21 दिन का समय देना होगा। इसमें राज्यपाल ने यह भी लिखा है कि संविधान की अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों की मूल भावना के अंतर्गत सभी को समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसी के लिए 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। दरअसल राज्यपाल की चिट्ठी में तीन पॉइंट लिखे गए हैं। इसमें पहला तो यह है कि आपको 21 दिन का नोटिस देना होगा विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए। दूसरी बात यह भी रखी गई है कि यदि किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की विधानसभा सत्र में कार्यवाही की जाती है, तब ऐसी परिस्थितियों में जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है, विश्वास मत प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की उपस्थिति में ही की जाए तथा संपूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए तथा ऐसा विश्वास मत केवल हाँ या ना के बटन के माध्यम से ही किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी स्थिति में विश्वास मत का सजीव प्रसारण किया जाए, यानी कि लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था करनी होगी। उपरोक्त कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भारत संघ बनाम हरीश चंद्र रावत 2016 के वॉल्यूम 16 SSC पृष्ठ संख्या 174 एवं प्रताप गौरा पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य 2019 के वॉल्यूम 7 SSC पृष्ठ संख्या 463 एवं मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेशों के अनुरूप ही किया जाए। ये साफ तौर पर जो राज्यपाल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है उसमें यह साफ तौर से कहा गया है कि आपको इन बातों का पालन करना होगा यदि आप विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा में जाते हैं। साथ ही तीसरे पॉइंट में उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर लिखा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो 200 विधायक गण होंगे और 1000 के आसपास जो कर्मचारी होंगे उनमें कोरोना का संक्रमण ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया जाएगा यह भी उन्हें बताना होगा। आपको बता दें कि इसके पहले अशोक गहलोत ने राज्यपाल पर यह आरोप लगाया था कि वो सेंटर के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है, उन्होंने राज्यपाल की प्रधानमंत्री से शिकायत भी की है। हालांकि अब जब यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो राज्यपाल की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि विधानसभा सत्र टाला जाए। हालांकि उन्होंने 6 सवाल जरूर पूछे थे अशोक गहलोत से कि आखिर वो यह सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि विश्वास मत उन्हें हासिल करना चाहिए जबकि उनके पास नंबर ही है। दरअसल सचिन पायलट के बागी होने के बाद राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत के लिए थोड़ा सा संकट बढ़ गया है, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार ये चाह रहे हैं कि विधानसभा सत्र जल्द से जल्द बुला लिया जाए और शक्ति परीक्षण किया जाए और वो विधानसभा में बहुमत हासिल कर सके, जिससे सरकार के ऊपर जो सियासी संकट लगातार चल रहा है वो टल जाए। और इस बीच गवर्नर हाउस की तरफ से कलराज मिश्र की तरफ से यह कह दिया गया है कि आप 21 दिन का प्रायर नोटिस देकर विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। साथ ही उन्होंने दो पॉइंट और अपने चिट्ठी में लिखा है, अपनी नोटिफिकेशन में उन्होंने दो पॉइंट का जिक्र किया है जिसे विधानसभा सत्र बुलाने के लिए पालन करना होगा।